मध्य प्रदेश के सागर जिले के कलेक्टर दीपक आर्य अचानक अधिकारियों के साथ केंद्रीय जेल पहुंचे, जहां उन्होंने बंदियों से चर्चा की। इसके बाद सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने महिला बंदी गृह में जाकर वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की और महिला बंदियों से चर्चा भी की। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल की नवीन प्रस्तुति, अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ। समस्त प्रकार की आधुनिक सुविधाओं के साथ शहर का नंबर वन प्ले स्कूल, तो पता याद रखें, भागोदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर। कलेक्टर दीपक आर्य ने महिला अस्पताल का निरीक्षण किया और दवाओं की स्टॉक पंजी भी देखी और उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अस्पताल में संपूर्ण कार्य कंप्यूटर से करें और संपूर्ण दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण कराएं। उन्होंने कहा कि सभी बंदियों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। कलेक्टर आर्य ने केंद्रीय जेल के पुरुष बंदी गृह का भी निरीक्षण किया, उनसे चर्चा की। उन्होंने उनके सामान का भी परीक्षण कराया, बंदियों को मिलने वाले भोजन के संबंध में जानकारी प्राप्त की और मौके पर जाकर भोजनशाला का निरीक्षण कर उसकी गुणवत्ता की जानकारी ली। कलेक्टर दीपक आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष का निरीक्षण किया और जानकारी प्राप्त की। उन्होंने केंद्रीय जेल में बंदियों के लिए चल रहे रोजगार मूलक कार्यों के संबंध में कार्यों को देखा। कलेक्टर आर्य हथकरघा केंद्र पहुंचे और बंदियों द्वारा किए जा रहे हथकरघा के कार्यों की सूक्ष्मता से जाँच की। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।